नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। कुछ दिन पहले हमने रूपा तिर्की केस के मामले में एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाया था। वो हालांकि पूरा ऑडियो क्लिप नहीं था, उसका कुछ अंश था। हमारे पास इतने सारे कमेंट्स आए जिसमें लोग, जो दर्शक है, जनता है, वो जाननी चाह रही थी कि क्या है पूरी बातचीत। तो आज हम आपके लिए वही पूरा का पूरा ऑडियो आपके सामने लेकर के आए हैं, रूपा तिर्की और एसके कनौजिया के बीच हुई बातचीत। लेकिन इसको सुनने से पहले एक चीज अपने जहन में आप जरूर रखिएगा कि इस ऑडियो को सुनने के बाद किसी भी एक निष्कर्ष पे मत आइएगा, क्योंकि इस केस के बहुत सारे पहलू जो है अभी बहुत सारे एंगल्स पे काम होना बाकी है। तो ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज, हमारे चैनल को आप इतना जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमसे जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें और सपोर्ट करते रहिए। गाली सुन रही है हमसे? तुम तो हमेशा मुझे गाली देते हो। सुनवे करेगी, दिमाग खराब करेगी मेरा तो। हम सभी से पूछ ले शेव, लेकिन कोई किसी को मार नहीं बोलता है। मैं किससे पूछने गई थी? पूछने गई सबसे। ये क्या तरीका है शेव, तुम अपनी बीवी से ऐसी बात करोगे? नहीं नहीं, किसे किसे पूछने गई थी? किसे पूछने गई थी? हम सबसे पूछ ले। अरे कौन किससे पूछने गए थे? इतनी गालियां नहीं सुना हो। नहीं नहीं, किससे तुम पूछने गई थी ये बोल रहा हूँ तुम। अरे किससे पूछने गई थी ये तुमको बताओ। किसी से पूछी मेरे जानू? किसी से पूछी, तुम बताओ। अरे बताओ ना, किससे पूछा? आशा को बोलने के बोल रही थी कि हमको आशा कर रहा हूँ। चलो दूसरा बोलो, दूसरा बोलो। अच्छा वो तो हम भी तो शिव कम माता जितना लड़की दुनिया में सब। अरे यू क्रेजी शिव, मेरा माथा दर्द कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ शांत रहो, मत पकड़ो मुझे। क्या तरीका है बात करने का शिव? कोई लड़की क्या पागल है जो तुमसे बात करेगी? क्या है सब जगह पूछने का गई? आशा बड़ा, क्या बात है यार? आशा बड़ा पास कह गई थी। तुम ये बात कहाँ सीखे हो इस तरह से? हम बचपन से सीखे, मेरा घर में ऐसे ही बात होता है। तो मुझसे क्यों बात करते हो इस तरह से? तो इसलिए बात करते हो, मुझे मत ना इरिटेट करो, मेरा माथा दर्द कर रहा है। हम तुमसे ये पूछ रहे हैं। मुझे उल्टे उल्टे लग रहा है, मुझे उल्टे उल्टे लग रहा है। तुम्हें कुछ नहीं लग रहा है? मुझे लग रहा है, मेरा तबीयत खराब लग रहा है। तुम सब झूठ बोल रहे हो। देखो, जब तुमको मेरे को झूठ लग रहा था तो क्या फायदा तुम? अरे तुम जवाब मत चढ़ो, सुना है तुम? और किससे पूछने गए थे? दूसरे से पूछे हैं। और शिव, हम किसी से पूछे या नहीं पूछे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मैं तो जानो ना किसे पूछी है। अभी तुम क्या जाने करे? देखो अभी खुद ना हाइपर हो रही है, खुद तो तमीज से बात नहीं कर पा रही है। तमीज से कभी बात किया है? तो मैं तो तुमसे तमीज से बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी बोल करके मुझे तमीज से बात करते हो तुम, बोलते हो मुझे तुम दिन रात। क्या करो, तो तुम इरिटेट करती हो। तुम भी अच्छे से बात करो, मैं भी अच्छे से बात करूंगा। इट टेक्स टू टू टैंगल, पता है कि नहीं? तो तुमको मैं पूछ रही हूँ, तुम शादी करे है कि नहीं करे बता दो। तुम इतना दिन से बता रहे हैं, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? हाँ कान में तरह लग रहे दिमाग खराब करके रखी। कल आदमी कैसी है, सर दर्द कर रहा, आदमी पगला रहा माथा दर्द से, ऊपर से सर ही सर एकदम किचकिच किचकिच लड़ाई झगड़ा कर रही है। आई हमसे प्यार करने वाली तो खा रही है, प्यार करते तू मुझसे कौन सा प्यार करता है? यार तुमको तो यही दिखता है कि ये हमको 100 रुपीज देगा तो हम इसको 100 रुपीज देंगे, ये हमसे 10 रुपया लेगा तो हम इसको 10 रुपया लेंगे। तुमने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, ठीक है? प्यार करता सारा ना, वो इतना नहीं सोचता है। तुम क्यों सोच रहा है इतना? अच्छे से एकदम शांति से अपना सब चीज सहता है। तुम्हारे सहता? ओ तुम तेरा दिन वाला वर्ड सुन के सहे हम तेरा दिन रात। कभी बोलता हमको 2 लाख रुपए दो,
तुम क्यों ढूंढो शिव? क्यों नहीं, रांची में जमीन चाहिए तो रांची में तो सब तो आदिवासी की जमीन है। तुम आदिवासी को जान बुझ के तुम फंसाए हो। आदिवासी तुम खरीद लो जमीन, अभी शादी के बाद तुमको जमीन नहीं मिलेगा। तुम जान बुझ के आदिवासी को समाज ये फंसा लिए हो। फंसाए हम कह आदिवासी को फंसाएंगे? आदिवासी खुद मेरे प्यार में पागल हो गई है। तो ठीक है, इस आदिवासी को हम कर देते हैं, ठीक है? तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या चीज का फायदा करवाएगी आपको? हमको क्या चीज का फायदा हो रहा है तुम हमको बताओ ना पहले, किस चीज का फायदा हो रहा है? तुम जमीन खरीद लियो, या हमको लैपटॉप खरीद के दे दी, या बाइक खरीद के दे दी, या हम तुम्हारा एक फूटी कौड़ी ले लिया अभी तक, ये बताओ ना तुम हमको, बता दो तुम हमको कि हाँ तुम्हारा ले लिया तो बोलो। हाँ तो मुझे कुछ भी नहीं लिया, मैं पूछ रही बाबू प्लीज कि तुम बता दो कि करना क्या है शिव, कि मैं एक दिन ऐसे इतना ज्यादा तुमसे परेशान हो जाऊंगी ना कि सच में बदलती हूँ। वो तो डेली तो तुम ऐसे ही कर ही रही हो। तुम करके दिखा दे आज। देखो फिर वही चीज, हम करके दिखा दे बताओ, क्योंकि तुम मुझे कभी चांस रखने नहीं दे रहे हो। बताते हो तो तुम बहुत खुश से रहना चाहते हो, पता है? मैं भी बहुत खुश से रहना चाहता हूँ। तुम बता करना क्या, बता सही से बताओ, आराम से बताओ, फाइव पर मुझे मत करो तुम। ओ फिर अपना दिखा रही है जलवा, दिखाओ जलवा से, बता तुम करना क्या है। इज्जत का कचड़ा करो। हाँ तुम से तो अच्छा ही है, सत्यम बैठा हुआ है इधर रूम में बगल में, ठीक है, शांति से सो रहा है दोनों लोग। वाह वाह वाह, तुम्हारे थोड़ी ना, अब तुम भी वहीं रह रही है, ढुकवा ली लड़का को। वाह पति है, ठीक है पति है, तुम जैसी लड़की रहेगी ना जहाँ भी, वही होता है हमेशा उसके साथ। क्या होता है? ना ना मनीषा मार के भगाएगी तुमको, तुम्हारा ही घर से हम चले जाएंगे। वही हमको भी पता था, वही होगा ही, तुम ही जाओगे निकल के। तो सत्यम आया तो उसी के सामने तुम चिल्लाओगी, अब चिल्ला के दिखाओगे कि हाँ फिर कितना बुरा है ना? ना। तो क्या बोल रही थी, मैं चिल्ला दूंगी। चला जा चुका है वो। तो क्या बोल रही है तब? चला जा चुका है। अरे झूठ दूसरा को बोलो, ठीक है? तुम्हारे तो बात पर तुमको विश्वास ही नहीं हो रहा आजकल। एक बार बोलती है कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया, एक बार मुझे ये हो गया, तुम ऐसे हो गया, फिर अभी बोल रहे मनीषा सोया हुआ है, फिर चला गया सत्यम, सत्यम है। चलो ठीक है, बताओ क्या करना है, हम मान लेंगे, बताओ क्या सत्यम है इसी, चला गया? चला गया है तो जरा जाग के झांक के देखो क्या कर रहे हो। चला गया शिव। तो फिर तब क्या हमको बोले तुम कि क्या करना है बताओ प्लीज ना? तो ये चीज क्या बोले तुम, क्या तुम बताओ कि हम तेरी कोई नहीं है, ठीक है? हम तुमको अपना बना भी नहीं रहे, तो अपना मुंह से ज्यादा निकाल रहे, तो अपना मुंह पहले लगाम लगाओ उसके बाद फिर हमसे बात करो। तुम वाला वर्ड छोड़ो तो बोलना, तो सब गाली छोड़ते हैं। तुम बोलो तो मैं भी गाली का बरसात करूंगा। तुम क्या करना चाहते बताओ? हाँ? तुम बताओ मुझे, कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे, बताओ अच्छे से। कैसे रखोगे, कहाँ रखोगे? तो फिर पूछती का है हमसे बार बार, ये चीज पगा है, पूछती है कि क्या करना है, जब बोल रही है कि कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे,
फिर ये चीज कहे पूछती है कि कहाँ हम क्या कुछ भी करो। पूछेंगे तो तुमको बताना पड़ेगा। अच्छा बोलो। कहाँ रखोगे तुम मुझे? जहाँ हम रहेंगे वहां रहेगी। क्या मुझे मधुपुर में कोई हक नहीं मिलेगा? बहू का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो मेरी माँ से पूछ लेना, ठीक है? वो देगी तुमको कि नहीं देगी, वो देगी कि नहीं देगी तुम ऐसे क्यों जवाब देता है शिव? मुझे तुम अच्छे से भी जवाब दे सकता है। तुमको हमसे मतलब है कि उन लोगों से मतलब है? कोई भी बहू को सबसे मतलब नहीं, होता है। वो अगर तुम तुमको टेढ़ा मत बोलो मुझसे। नहीं, वो तुमको नहीं बहू मानेगी, तब वो सीधा बोलेगी कि मधुपुर तुम लोग दोनों मत आना, तब हम लोग छोड़ते हैं दूसरे को। छोड़ते हैं। नौटंकी सुझा रहा है तुमको, नौटंकी सुझा रहा है। क्या नौटंकी? क्योंकि तुम कभी नहीं मानोगे, तुम छुप छुप के घर जाओगे। देखो एक शक सुनिए, शक, तुम बहुत बड़ी शक की लड़की हो, तुम बहुत बड़ा शक की लड़की हो। अपना ये शक हटा दो, ये शक पाना। मेरा बाप भी बहुत बड़ा शक की आदमी था, इसीलिए आज उसका घर नहीं बचाया, हम लोग इतना बड़ा होने वाले हैं। तुम छुप छुप के जाओगे घर मधुपुर, तुम्हारे समझ रहे कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं? स्वदेश तुम्हारी मेंटेलिटी से तुम्हारे बाप बाप का हमको दिख रहा है चेहरा। तुमको मेरी पेरेंट्स से इतनी नफरत है तो क्यों बात करते हो मुझसे? चलो ना शिव, अच्छे से बात करते हैं और खत्म करते हैं नहीं, खत्म कर दुश्मनी। क्योंकि क्या फायदा? दुश्मनी। दुश्मनी क्या है? क्या दुश्मनी दुश्मनी उसमें हो रही है शिव हमसे? क्या दुश्मनी हो रही है? तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी होने वाली हो है रही है, होगी दुश्मनी, तुम देख लेना। ना। तुम्हारी गलत फहमी है कि दुश्मनी होगी तुमसे ना, होगी दुश्मनी। कोई दुश्मनी नहीं होगी। होगी दुश्मनी शिव। चलो अच्छे से बात करके ही एंड करते हैं। सो जाओ शांति से, हमको नहीं सोने का मन कर रहा है। तो जागो, मुझे कम से कम सोने दो। तुमको हम सोने नहीं देंगे जब तक क्लियर नहीं करोगे तुम, और मुझसे क्या तमीज से मैं बात नहीं करोगे तो। तुमसे बहुत तमीज से ही बात कर रहा तुम हूं? मुझे डाल करके क्या क्या बोल के हो तमीज से बात? हम पूछे अभी बगल से कहीं जाके पूछे हम किसी को? किसको पूछो ना, फोन ही लगा के पूछ लो, फोन लगाया बताओ? लगाओ आशा बड़ा को फोन लगा लो, ममता बास्की को फोन लगाओ, लगा ठीक है, हम लगा रहे हैं। लो, पूछ लो अपना। कॉन्फ्रेंस में हमको मत लेना। तुमको भी कॉन्फ्रेंस में लेंगे हम। करो जो करना है। वैसे भी कौन मत, तुम हमको आबाद कर दियो, इज्जत तो बर्बाद ही कर दियो मेरा पूरा ग्रुप में। तुम्हारा इज्जत हम बर्बाद नहीं किए शिव, मेरा इज्जत बर्बाद हुआ है। तुम्हारा कुछ बर्बाद नहीं हुआ, तुमको क्या पता है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हें? रहा है क्या आ रहा है? कि लोग क्या सोच रहे हैं सब मेरे बारे में। तुम्हारे बारे में सब अच्छा सोच रहे हैं, कोई अच्छा नहीं सोच रहा है, सब अच्छा सोचते हैं। पूछ लो ममता से। सोचने और पूछने से क्या तुमको पता है ना? तुमको क्या पता है? तुमको तो अपना इज्जत का पता है इनका। तुम्हें क्या है? तुम्हें तो लड़की मिल जाएगी आराम से। तुम तुम
तभी अच्छा से बात करेगा, जब इसको आराम से दिखाओ तो बड़ा प्यार से बात करेगा। नॉर्मल बात करने के लिए इसके पास सिर्फ गालियां हैं, सिर्फ इसको सक और सक, बस यही सब बात है जो अच्छे से करेगा। उसके अलावा दुनियादारी की कोई बात इसको अच्छी नहीं लगती है। उसके अलावा कभी बात में रात में बात होगी ही नहीं, सिर्फ तो रात में बात करो नहीं तो नहीं, सिर्फ। मेरा तेरा मजा आया, बस यही सब बातें। और बोलो कितनी गालियां आती तुम्हें? हेलो, कितनी गालियां आती है शिव कुमार कनौजे, जो आप मुझे पूरा बोल सकते हैं? आप बोलिए शिव कुमार कनौजिया। ऐसे थोड़ी बोला जाता है। कैसे बोला जाता है शिव? कोई लड़का आज तक किसी लड़की को इतना गाली नहीं दिया होगा, पता है? जब तुम मुझे गाली देता है, तुमको पता है कि 21 दिन में कोई मानता नहीं था तो कोई सुनेगा नहीं इसका बात, तो जो मर्जी वही बोलता है। मेरे लिप्स में आ गई ये सब वर्ड्स जो लिप्स में स्टार्ट भी नहीं होती थी, बोलने के लिए भी मेरा मुंह कांपता था। कितना तुम सीधा थी। हम सीधा थे शिव, जो तुम मुझे कभी नहीं समझ पाया, मुझे कीचड़ में डाल दिया तुमने। जिस दिन मैं नशे हूँ तो तुम कभी अपने आप को तो माफ नहीं कर पाओगे। जितना मुझे टॉर्चर किया है। ना तुम कभी टॉर्चर करते हो तुमने? पूछ दे ना किसी को भी पूछो ना, टॉर्चर किसको कहते हैं? किसी को दिन रात बोल के कितना टॉर्चर होता है, किसी लड़की को ये बोल के करो ये करो वो करो, कितना टॉर्चर फील होता है। पूरी रात रात भर इधर दिखाओ इधर दिखाओ, करने में जो बुरा लगता है ना किसी के सामने बताना, तो अपनी माँ को ही बताना कि हम ये कराते हैं, तब वो क्या बोलती है तुमको। अच्छा तुम्हारी माँ को तो शर्म भी नहीं आता होगा, जब उसको पता है कि हम अपना बेटा को नहीं चाहते हैं कि उससे बात करे, नहीं बहू बना के लाएंगे उसको, उसको लड़की को, तो उसी टाइम तुमको एक थप्पड़ मारना चाहिए था, जिस टाइम पे मेरा फोन तुम रिसीव करते हो। मेरे घर के मामा ऐसे हैं, अगर लगता है कि उस लड़की को नहीं लाना है ना, तो उसको वहीं पर इतना मारते उस लड़के को कि दोबारा वो कॉल नहीं करता। अच्छा, लेकिन तेरी माँ सोचती कि बस यूज कर ले बेटा जितना यूज करना है, लेकिन हम बहू नहीं बनाएंगे उसको। हम अच्छा फोकट का यूज कर रहा है, बोलती है पैसा भी सोएगी। मेरा माँ तो वैसा है नहीं, तुम्हारी माँ का पता नहीं। तुम्हारी माँ तो है ही वैसी। मेरी माँ वैसी नहीं है। नहीं होती, तुमको रोकती मुझसे बात करने के लिए। मारती एटलीस्ट एक दो थप्पड़।
तेरी मैया क्या कर रही है? मेरी मम्मी को पता ही नहीं है क्या? तुमसे बात करते हैं। तो बताओ। सब पता है कि हम दिन रात रोते थे तुमसे बात करके, और तुम मुझे शादी नहीं करना चाहते, उसको ये पता है। तो बताओ अपनी माँ को कैसे क्या बताएं, बात करते हैं रात दिन हम बात नहीं करना चाहते शिवम, और शादी करने वाला है। तो हम शादी भी नहीं करेंगे। आज मैंने शिवम कहा ना, नहीं करूंगी। बात करो। मैं नहीं करूंगी शादी तुमसे। नहीं करूंगी। रहिए ना पाई जी। तो मुझसे कभी ठीक से बात नहीं करोगे शिव, देखो अभी तो बोल रहे कि शादी नहीं करेंगे तुम। तो तुम ठीक से मुझसे बात करोगे या नहीं? ऐसे ही मुझे अब्यूसिव वर्ड्स यूज कर रहे शिव। मैं कोई अब्यूजिव वर्ड इस्तेमाल नहीं मैंने करता। कभी किसी से इतने अब्यूसिव वर्ड्स और इतने आंसू कभी नहीं देखे थे शिव, जब तुम मुझे दिखा रहा है। पर तुमको का धमकी क्यों देती हूँ पता है? क्या बोली? मैं तुमको कभी का धमकी नहीं देती हूँ। मुझे सच में का ही मन नहीं करता इतना गंदा गंदा वर्ड सुन करके। दिमाग में वैसे गूंजते रहते हैं। अच्छा चलो 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 ठीक। क्या ठीक? मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि तुम कब ठीक और कब ठीक नहीं। मेरा दिमाग बस चलते रहता चुच्ची चूस। और इसीलिए तो दिखा वैसे तुम उस दिन चिल्ला रहे थे ना, ब्लॉक करो मुझे। मैं ब्लॉक कर दिया तो उसके बाद मार गाली, मार गंदा गंदा गाली। जैसे ही फोन उठाया तो ऐसे तो करने लगे। कर रहे थे कि नहीं? इसी वजह से सोचती हूँ शिव, मैं अपना मुख काम कर दूंगी ना शिव, तो ऐसे पागल पर नहीं दिखाऊंगी। पागलपन दिखाने में कुछ है नहीं। तुम पागल हो शिव, और तुम मुझे भी बना दिए हो। तुम ना जो टीनेजर जो लफंगा लड़का तो नहीं होता है, जो लड़की को पीछे पीछे होता है फिर उसको गाली देता है बाद में, तुम वैसा लड़का है शिव, जो रोड साइड में घूमते रहते हैं, उस लड़की के शरीर को देखने के लिए बस तरस रहता है बस उसका कुछ नहीं। वाह कितना ब्यूटीफुल सिनेरियो है। स्वदेश वाणी। मुझे शांति से अच्छे से बात करो ना प्लीज। एक बार मुझे प्यार व्यार का बात नहीं, एकदम कॉमन एकदम कॉमन फ्रेंड की तरह मुझसे बात करो। कि तुम क्या बेटर होगा बताओ, इस सब की बात ना ही करो तो बेटर रहेगा। मुझे करना पड़ेगा शिव। ना 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 ना, इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि ये सब देखो नौटंकी 1000 बार हो चुका है। ठीक है? तो इस बार करते हैं, नहीं नहीं करते हैं। इस तरह से नहीं करोगे तो हम कर लेंगे आज, ये मेरा लास्ट वार्निंग है। देख लो तुम्हें सही से पता तुम्हारे मन में क्या चलता है और तुम्हें क्या चाहिए, देख लो क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी को जबरदस्ती कुछ भी कराएं। देख लो कैसे तुम सीधे सीधे बोल दी कि हम कर हम लेंगे। सच में कर लेंगे हम, क्योंकि अब देखो तंग आ मेरा चुके मेरा बॉडी और पूरा हाथ गोड़ सब थर थरा रहा है। इसलिए तुमको बता रहे, तुम साफ साफ बताओ और देखो मन से बताओ। तुम बोल रही। अब देखो मेरा पूरा बॉडी कांपने लगा। अब बहुत कस के कांप रहा है। माय गॉड पूरा हाथ पे ठंडा होना चालू हो गया। अब ये चाहती थी ना कि मेरा बॉडी पूरा कांपना चालू कर रहे। देख लो रोक के भी नहीं रोक पा रहा है सबको। ओह माय गॉड। ओह यो यो
पूरा पैर हाथ ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ ये भगवान। ये भगवान क्या बोली तुम? अरे बुआ कैसा लग रहा है हमको? अरे बाप रे, अरे अरे क्या मसाला है जो बोल रहे हो? अरे पूरा हाथ पे ठंडा हो चलो गया। अरे अरे यार, अरे तुम ऐसे भी बच्चा ऐसा नौटंकी। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।